ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਲੈਂਪਸ ਰੌਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈੱਡ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, देखिए ऑयल का बारे में से आपको बताएगा ऑयल कैसा बनती है। आप लोगों को देखा हुआ ऊटी से सब आपको आने के रास्ता में लंबा लंबा झाड़ देखा हुआ, इसके ही नाम बोलता है यूकेलिप्टस ट्री बोलते हैं। इसको ड्राई लीफ, इसमें से यूकेलिप्टस ऑयल बनती है। ये ऑयल जो हम लोग को कैसा बनेगा, ऐसे लीफ को सूखा होते, ये सूखा का लीफ लेके आते, ये कच्चा लीफ में ऑयल नहीं बनते। ये लीफ को सूखा होने के बाद वो नीचे गिरेगा, गिरने के लीफ का ऐसा कलेक्ट करते, कलेक्ट करके एक ड्रम का अंदर 250 किलो सूखा पत्ता डालेगा, डाल के 200 लीटर पानी डाल देगा। ये डाल के इसको पूरा टाइट सील करते करके ऑलरेडी ऑयल निकालने के बाद इसका अंदर हम लोग को रिमूव किया ना, इसके बाद ऑयल निकालने से इसको लीप बेस्ट है ना, ये लीप को ऐसा यहाँ रखेगा तो इसको पूरा ड्राई हो जाती। ये ड्राई करके ये लीप को इसके नीचे से जलाती। ये लीप जलाने से क्या होती है, हम लोग को डाला हुआ पत्ता पानी दोनों ऐसा उबालने के बाद वो स्टीम आ जाती। इसके सीधा ये पाइप का अंदर आके यहाँ पे नीचे यहाँ पे ठंडा पानी होता है, ये पानी का अंदर पाइप है ना, वहाँ से आके यहाँ पे इसको घुमाने से क्या होता है, ठंडा हो जाती है। ठंडा होने के बाद ऑयल एंड वाटर दोनों भी नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या होता है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा, पानी इज डाउन ऑयल ऊपर। यहाँ पे देख रहा, देखिए पानी नीचे गया ऑयल ऊपर आ गया। देखिए इसको पानी का डेंसिटी ज़्यादा, पानी नीचे चल जाएगा, ऑयल का डेंसिटी कम, ऑयल ऐसे ऊपर आ जाती। इसके बाद हम लोग यहाँ पे छोटा कप रखे ऑयल का, थोड़ा थोड़ा ऐसे रिमूव करते। और ये वाला जॉइंट पेन ऑयल है, दिस ओनली फॉर जॉइंट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, मसल्स पेन, एनी पेन। ये यूकेलिप्टस को जाड़े के रूट से बनती। ये ऑलरेडी हम लोग यूज करेगा मूव आयोडेक्स वालिनी, इसको रॉ मेटीरियल है। ये पुराना पेन भी ठीक हो जाती। ये देखने का पानी जैसे दिख रहा है, एक ड्रॉप ऑयल निकल के हम लोग के प्लास्टिक का ऊपर रख के गर्म किया तो ये प्लास्टिक मेल्ट होती है, हमारा स्किन किस में होगा इतना स्ट्रांग है। इसको खोलेंगे आपको अंदर खोल के दिखाने से आपको मालूम पड़ेगा। और ये जो हीना मतलब ये माइग्रेन के लिए, माइग्रेन जिस कोल्ड वीजिंग एंड साइनस, इसको ऑलरेडी यूज करेगा हम लोग के मेडिकल में से छोटा ग्रीन कलर का टैबलेट आती है ना, वो घर में तो काट के गरम पानी में डाल के कुछ ऐसे वॉप ले रहे ना स्टीम। हीना हेना, हेना मतलब मेहंदी में डालती, ये हीना मतलब ओनली फॉर माइग्रेन, माइग्रेन जिसको इजी साइनस। ये तीन ऑयल जो भी हम लोग को इधर ही बनाते, हम लोग अभी देखो वो ऑन द वे चाय का गार्डन जो, ये सारा सिंघारा टी एस्टेट, एस्टेट का नाम तो सिंघारा। ये पुराना हिंदी एक्टर ना मुमताज, उनका हस्बैंड तो मयूर मधुबानी, इनके टी गार्डन है 2005 से। ये कह रहे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द नीलगिरी, नीलगिरी में ये जगह का नाम कुन्नूर, कुन्नूर में क्या फेमस, ओनली फॉर टी। यहाँ से जो चाय पूरा आपको एक्सपोर्ट करते, इसलिए इसमें कुछ केमिकल नहीं मिलाती। ये ग्रीन टी बनती, ग्रीन टी बोतलो आपको आज मालूम है, ये बीच का ये बट आता है, बट लेके क्या करेंगे उसके स्टीम में से पत्ता को बॉइल करते, बॉइल होने के बाद इसको हुक्का डाल देगा, डाल के इसको नीचे से फैन लगा के, फैन लगाने से क्या होता है, पत्ता का पानी पूरा सूख जाएगा। सूखा होने के बाद ऐसा मशीन का अंदर डाल देगा, डाल के इसको पूरा कटिंग कर दे, कटिंग करके या तो ओवन में रोस्टेड होती, दिस इज ऑर्गेनिक है। देखिए ये फैन जैसे से कटे अभी थोड़ा काम है इसलिए अभी नहीं चल रहा। ये सारा हमारा चाय का वेराइटी, मसाला, चॉकलेट, जिंजर, कार्डमम, ये चाय सब आपको अंदर पिलाएगा। पहले चाय पी के देखो, इसके बाद आपको पसंद पड़ेगा, टी पाउडर सब मिलेगा, चाय मतलब चाय सब जगह में मिल रही। यहाँ का स्पेशल किया इसने, नो केमिकल, नो मिक्स कलर, एनी डाउट आप लोग ले रहे हो पैकेट अपने सामने जो खोल के चाय बना के देगा, टेस्ट करके आपको पसंद होएगा यहाँ पे ले चुके। ओके प्लीज कमेंट सुनिए। ये तो मसाला टी जैसे बताया सर ने, हमने टेस्ट कर लिया है और अब हम परचेज कर रहे हैं, बहुत स्वाद है। इसके बाद आपको और भी देते हैं। और जो यहाँ पे काले आयल जलेंगे सर, दूसरा कुछ इसमें कपड़ा जलेगा, सिर पे, नाक पे, गला पे सीधा लगा सकते हैं।
जी आपको टर्पणार के रस मिला के देरे सिटी में तो यहाँ से मिला बहुत अच्छी ये बन और सेकंड वन दर्द के बैक पेन नी पेन नी पेन सोनो पेन कमर पेन सब के वाले आपका ये दर्द है मम्मा पापा की आर्थराइटिस आर्थराइटिस का 3 महीने है इसका 10 दिन में ठीक नहीं होती आर्थराइटिस बोन की प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में गठिया और अब तो ये तो आपको दर्द है तो अभी दर्द है तो अभी ठीक करके देंगे 2 मिनट्स ऐसा बात कितना पावरफुल है ये इसके लिए नहीं दर्द के बारे में This one up to once in a day, sinus, asthma, wheezing, garati. Swallowing, na? Swallowing, uska bhi. Eye cleaning, sab bhi. Chashma dalne wala ki, 3 mahine mein chashma thod rahi. Steam lamp. Steam lamp. Aapko seedha laga ke dikhayenge. Ek. अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है 2 मिनट्स का पूरा भाई जैसे इसमें कपूर की फ्रेग्रेंस आ रही है नहीं कपूर की नहीं सर वो तो चश्मा डालना नहीं पड़ा उसका भी यही मतलब ऐसे स्टीम नहीं नहीं लगाना नहीं स्टीम लेने के टाइम आँख खोल के बंद देना स्टीम में ओके पक्का दिया इसको स्टीम देने का क्या प्रोसेस है कोई नहीं सर एक लीटर पानी आधा ढक्कन पे आधा ढक्कन रखते इसको बाफ बाफ कैसे चूल्हे पे देना है या पानी ये बाफ नहीं सर बाफ अगर कर ये मिल्ट हो गया प्लास्टिक है मुंह आता मुंह अमर का गरम माल गरम नहीं मुंह आता है मुंह अमर का जड़ का वाल नहीं था ये रहा मटेरियल ये रहा मटेरियल तो फिर भी बोलता हूँ सर्दी काशी कर जुकाम ये क्या लिखा हुआ और आपको बाल कटेंगे बाल कटा तो बंद करेगा बाल आपको गलत वाला आधा डगर लेके स्कैल्प मसाज करना और ये मसाज करने के ये तो हमने पेड़ जाते ना पेड़ जाते गैस तो प्लास्टिक तो इसको आठ ब्लॉक का काला चाय बना के 2 बूंद डाल के पी डिफरेंट फ्लेवर्स अपने कोई आने वाले की वो डिफरेंट अपने काला चाय बना के पीने चाहिए गर्म पानी से और कितनी देर रुकेंगे दांत साफ करना सफेद करना अभी करता हूँ अरे नहीं होता सर ये कौन के अंदर ठीक है एक ड्रॉप रखें ये करके जोर से क्लीन करके हाथ दिखाना ऊपर मत जाना दिखाने के अभी ऊपर जाए मैम मैम थोड़ा जोर से लगा
ஓகே மேம் நான் இருக்குது நான் மேம் இப்ப நான் வீடு கீழ காந்தல்ல இருக்கேன் மேம் ஆமா மேம் ஓகே மேம் ஓகே மேம் ஓகே மேம் सर आदमी आया ना सर फर्क क्यों हो आप फिंगर में पूरा वो ब्रश कर रहे ना सर फेस फेस में दो बूंद लग रही है चलो तो अभी हमने देख लिया तो अभी यहाँ से शॉपिंग करते हैं उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं थैंक यू